पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अब कई तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। वहीं इस हत्या में अब कई लोगों के नाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें से अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। वहीं लॉरेंस से जुड़ी अब कई बातें भी सामने आ रही है, जहाँ कहा जा रहा है कि लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान सहित पंजाब के 4 सिंगर भी बने हुए हैं। वहीं पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक वीके भौरा ने बकायदा पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का सीधे सीधे नाम लिया है। हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई की करीबी कनाडा में बैठकर गैंगस्टर लफी उर्फ गोल्डी बड़ार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो अब इतने सारे मामलों के बाद सबके मन में ये सवाल तो जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन। तो चलिए सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और बताते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजीला में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई पर तकरीबन 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लॉरेंस के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक लॉरेंस चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर चुका है। कहा जाता है कि पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हार के चलते लॉरेंस की जिंदगी में जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी थी। लॉरेंस के पिता खुद पुलिस रहे हैं, लेकिन बेटे को जुर्म के रास्ते पर जाने से नहीं रोक पाए हैं। कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद से लॉरेंस के अंदर बदले की भावना जग गई और फिर वहीं से शुरू हो गई लॉरेंस की गैंगस्टर बनने की कहानी। बता दें कि फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के अजमेर जेल में बंद है और वहीं से गैंग चलाता है। खबर तो ये भी मिल रही है कि लॉरेंस जेल में फोन पर वर्चुअल तरीके से हत्या का प्लान करता है और फिर उसे अपने गैंग के साथ मिलकर अंजाम देता है। और सिद्धू मूसेवाला के केस में भी ऐसा ही हुआ है, जहां लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में वर्चुअल फोन के जरिए कनाडा में बैठे अपने साथी गैंगस्टर लकी उर्फ गोल्डी बड़ार से बात की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा प्लान बनाया गया और उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मूसेवाला की हत्या के बाद खबर ये भी सामने आ रही है कि लॉरेंस सलमान खान का भी जान लेना चाहते थे। और इतना ही नहीं, लॉरेंस के निशाने पर फिलहाल पंजाब की ओर 4 सिंगर भी हैं, जिनके सेफ्टी और सुरक्षा के मद्देनजर हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं। वहीं खबर थी कि लॉरेंस गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है, ऐसे में काले हिरन के शिकार को लेकर वह नाराज थे, जिसमें सलमान भी आरोपी थे, और यही वजह थी कि लॉरेंस सलमान की हत्या करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस हत्या को अंजाम देने की कोशिश भी की थी। दरअसल फिल्म रेडी के शूटिंग के दौरान लॉरेंस ने अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान पर हमले की पूरी योजना बनाई थी। वहीं यह अलग बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को पसंदीदा हथियार नहीं मिला तो यह योजना असफल हो गई। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कितना पावरफुल है, इस बात का अंदाजा लॉरेंस के जेल में रहने के बाद भी हत्याओं को अंजाम देने से पता लगाया जा सकता है। नामी गैंगस्टर गोल्डी बड़ार फिलहाल कनाडा में है, जबकि उसकी करीबी साथी और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के अजमेर जेल में बंद है। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर में शुमार जेल में बंद रहने के बाद भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। वहीं इसका कबूलनामा भी वह अपने फेसबुक अकाउंट से ही कर देता है। बताया जाता है कि इसके गैंग में करीब 600 कुख्यात शार्प शूटर भी शामिल हैं और इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। वहीं लॉरेंस के सबसे बड़े निशाने पर अगर कोई स्टेट है तो वो है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, NCR। ये चारों स्टेट लॉरेंस के सबसे बड़े निशाना है, जिसको लेकर प्रशासन भी अब काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की जीवन की पूरी परिचय। हमें आशा है कि आपको ये परिचय पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, अभी केस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।